सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जियो। परम सन्मान्यो गुरुरु गुरु खालसा साह संगत जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। बीकानेर विच सतनाम रूपी अमृत दा छट्टा दे के गुरु जी मारवाड़ दे देश वाल तुर पए। नगौर ते जैसलमेर नू हो गए। जैसलमेर वल्लों जीवां नू उपदेश दे के मरहाए दी पहाड़ी कोल आए, जिथों चिट्टा पत्थर निकलदा है। उस स्थान उत्ते कोई मेला सी, भारी इकट्ठ विच सतनाम दा उपदेश कीता। जदों मेला मुक्या तां जोधपुर चले गए। जोधपुर रियासत दी राजधानी सी। जोधपुर दे बाहर 5 मील उत्ते श्री गुरु नानक देव जी का स्थान है, जिथे अज भी गुरद्वारे की शकल विच मंदिर है। गुरु जी की तस्वीर रखी हुई है। मारवाड़ी पूजा करते हैं। मारवाड़ विच श्री गुरु नानक देव जी ने बहुत प्रचार किया। उस प्रचार का फल है कि अज भी अनपढ़ ते गरीब मारवाड़ियों विच श्री गुरु नानक देव जी की भगती ज्यौंदी है। जोधपुर तो गुरु जी को पता लगा कि 65 मील की विथ उत्ते नाथां दा स्थान है। नाथां दा जौहड़ आखदे हन। उस जौहड़ जिसनों सरोवर भी कहिंदे हन, उस उत्ते बहुत वड्डे करामाती नाथ रहिंदे हन। उन्हां नूं कोई फतेह नहीं कर सकदा। वह रिद्धियां सिद्धियां दे मालक हन। गुरु जी ने उधर नूं तैयारे कर दित्ते। यह तालाब नौखली पाली दे लहिंदे पासे जंगल विच है। अजे भी जोगी रहिंदे हन। गुरु जी उस स्थान उत्ते पुज्जे। सचमुच तकड़ा नाथां दा टोला उत्थे रहिंदा सी। गुरु जी ने सरोवर दे एक पासे डेरा लाया। भाई मरदाने ने देखिया बिना बेड़ी तुलहे तो कोई कन्न पाटे नाथ पानी उत्ते चौंकड़ा मार के बैठे हुए हैं। वह हैरान हो के गुरु जी ने पूछण लगा, गुरु जी यह की कौतक है जो कि पानी उत्ते अडोल बैठे हैं? ये हाथ पैर नहीं हिलाते ते डुबदे भी नहीं। गुरु जी ने बचन किया, मरदानिया रबाब वजा के करतार दे रंग देख। गुरु जी का हुक्म मन के भाई मरदाने ने रबाब बजाना शुरू किया। रबाब दियां तारां विच्चों 7 करतार तू ही तू दी धुन उत्पन्न होई। श्री गुरु नानक देव जी ने रसीली सुर नाल यह शब्द उचारण किया। तन जल बल माटी भया, मन माया मोहे मनूर, औगण फिर लागू भए कूर वजावै तूर। बिन शब्द है परमाइया दुबिधा डोबे पूर, मन रे शब्द तरो चित लाए जिन गुरमुख नाम ना बूझया, मर जन्मै आवै जाए तिसदा परमारथ। हे मरदानिया इन्हां कन्न पाटे नाथां दा तन तां सड़ के मिट्टी रूप हो चुका है। जदों तन सड़ गया है तां मन लोहे दी मैल वर्गा काला हो गया है। हंकार दे औगण दुश्मन हो गए ने। झूठ दे वाजे वज रहे हैं। झूठ दा पाज खुलन वाला है। गुरु दे शब्द तो बिना अग्ञानता विच डुबण वाले हैं। वैर अग्ञानता ने कई पूर डोब दिते हैं। इस तरह पानी उत्ते तर के दिखावा करन दा की लाभ। शब्द रूपी बेड़ी उत्ते तरना चाहिदा है। इन्हां नूं करामात दा हंकार है, पर करतार दे भेदां नूं नहीं जाणदे। ओह चाहुंदे तां पत्थर नूं उतार सकदे हन। श्री गुरु नानक देव जी ने ज्यों ज्यों शब्द नूं गाया त्यों त्यों तरन वाले कन्न पाटे नाथां दे जल उपर आसन डोलन लगे। उन्हां दियां समाधियां खुल गईयां। वह हैरान होए कि कौन भगवान दा शरीक आ गया जो साड़ी करामात नूं खिंच रहा है। उन्होंने अखां खोल के देखिया भाई मरदाना ते श्री गुरु नानक देव जी कीर्तन कर रहे सन। उन्हां दे कीर्तन नाल उन्हां दा योग बल कमज़ोर हो रहा सी। वह सरोवर विच्चों बाहर निकल के गुरु जी दे कोल आ गए। होर भी इधर उधर खिलरे हुए नाथ इकट्ठे आ हुए। नाथां विच बहुते 100-100 साल की आयु वाले सन। एक लमेरी आयु वाला नाथ बोलिया, पुरशा कौन है, कितों आया है?
गुरु जी ने कहा, नानक मेरा नाम है, करतार दा भेजा होया इत्थे आया हाँ। नाथ ने कहा, क्यों? गुरु जी ने कहा, इस वास्ते कि हंकारी पुरशां नूं दसां कि हंकार करना योग नहीं, दुखी मनुखां दी सेवा करना, करतार दा सिमरन करना, धर्म दी किरत करके खाना, सच बोलना ते बुराइयां दा त्याग करना मनुख दा सच्चा धर्म है। नाथ बोलिया, कोई तप साध्या है, कोई योग अभ्यास किया है? गुरु जी ने कहा, करतार दा सिमरन किया है, तप साधन दी की लोड़ है? नाथ ने कहा, कोई करामात भी विखाल सकते हो? गुरु जी ने कहा, करामातों की भाव? नाथ ने कहा, इन्ना भोला है, करामात दा भी नहीं पता। गुरु जी ने कहा, जोगी जी, करामात दा तां मैनू नहीं पता, ना मैं कुछ कर दिखाउण दा हंकार करदा हाँ, पर मैं ये समझदा हाँ कि करतार मेरी सहायता करदा है जदों कोई औकड़ बने। नाथ ने कहा, भाव यह है कि भगवान तेरी सहायता करदा। गुरु जी ने कहा, हाँ, ओह सच भगवान अगम अपर अपार किरपाल दयालु दाता मेरी सहायता करदा है। नाथ ने कहा, इस सरोवर का जल बहुत डूंगा है, कई सदियों तो सरोवर सुका नहीं, कई नाथ इस सरोवर के उत्ते चौंकड़ा मार के इस तरह बैठ जाते हैं जिमें धरती उत्ते आसन जमा के अडोल बैठे हुए होंगे, तुसी भी बैठ के दिखाओ। जगत गुरु जी मुस्कुराए अते नाथ नूं पुछया, पत्थर पानी विच डुबदा है कि तरदा? नाथ ने कहा, पत्थर डुब जाता है। यह सुन के श्री गुरु नानक देव जी खलो गए। उन्होंने अपने कमल लैणा नाल चौगिरदे देखिया, उन्होंने एक पत्थर का कुंडा पिया देखिया जो कई मन भारा सी, उस विच जोगी भंग घोटिया करते सन। गुरु जी ने मरदाने नूं हुक्म किया, मरदानिया उठ। वह कुंडा पिया ही उसनों चुक के लिया, सत करतार आख के चुकी, सत बचन जी आख के मरदाना उठ्या। वह कुंडे वाल चलिया गया, सारे नाथ भाई मरदाने वाल वेखण लग पे। उन्होंने देखिया मरदाना कुंडे कोल जा खलोता है, जिस कुंडे बारे ये दंद कथा सी कि रिद्धि सिद्धि वाले जोगी ने अपने जोग बल नाल चुक के लिया, उस पिछे कोई उसनों हिला भी नहीं सी सकता। वह नाथ खिड़खिड़ा के हसन लगे, वाह, यह माड़ूआ जिहा किवें कुंडा चुकेगा, कुंडा तो इस कोलों हिलना भी नहीं। नाथा ने आख्या, पर भोले नाथा नूं पता नहीं सी कि भाई मरदाने की पिठ उत्ते श्री गुरु नानक देव जी का हथ है, जो रिद्धियां सिद्धियां दे मालक हैं, जगत के दुख हरन वाले सर्वशक्तिमान आप करतार हैं। जिमें हनुमान जी के पिछे श्री रामचंद्र जी की शक्ति सी, उसने लंका साड़ के सुआह कर दिती सी। भाई मरदाने ने सत करतार आख के कुंडे नूं हथ पाया, हिलाया, वह सौखा ही हिल पिया। मरदाने ने मोढ़े उत्ते रख लिया ते चुक के सरोवर के किनारे लियाया। गुरु जी निगाह बन के मरदाने वाल वेखते रहे, गुरां दे देखण दी शक्ति नाल ही पत्थर हौला हो गया सी। नाथा दा हासा रुक गया, उन्हां दे मूँह अड्डे रह गए। वह हैरान सन कि पतले जिहे शरीर वाले बंदे ने इन्ना भारी पत्थर किवें चुक लिया। कईआं दीआं अखां नीवीआं हो गईआं, उन्हां मन ही मन प्रतीत कर लिया कि सचमुच श्री गुरु नानक देव जी कोई अवतार हन। पर हंकारी नाथ दा अजे भी हंकार ताप मठा ना होया। भारी पत्थर दा कुंडा मरदाने ने सरोवर विच तार दिता, वह बेड़ी वांग तरन लग पिया। पानी दीआं छल्लां नाल वह कुंडा उस तरह हिलण लगा जिवें लकड़ दी बेड़ी पानी दीआं छल्लां नाल हिलदी है। कुंडा तरदा तरदा अगे नूं जाण लगा। नाथ वेख के विस्माद रह गए, उन्हां दे दंद जुड़ गए, हंकार दा सिर नीवा हो गया। आपे तरी पत्थर दी बेड़ी नूं देखदे होए श्री गुरु नानक देव जी ने यह शब्द उचारण किया, नानक बेड़ी सच की तरिया गुर विचार, एक आवै एक जावही पूर भरे अहंकार। श्री गुरु नानक देव जी नाथां नूं उपदेश देण लगे, हे नाथों, इहो बेसमझी है कि असी पानी उत्ते तर रहे हाँ,
पानी उत्ते पत्थर भी तर सकता है। यह सरोवर अगला भव सागर तरना कठिन है, उसके तरन वास्ते गुरु के आसरे सच की बेड़ी होनी चाहिए। उस बेड़ी विच बैठ के गुरां दे विचार दे चप्पू ला के तरना चाहिए है। जगत विच कई आउंदे ते कई जांदे हन, पूरा दे पूर हंकार उन्हां नूं पार नहीं होण दिंदा। ओहो ही तरदे हन जो गुरमुख बन के गुरु बचना नूं मानदे होए हंकार नूं छड्दे हन। हे नाथो, गुरु तो बिना तरिया नहीं जांदा। जिस नाल सुख मिले, सुखा रूपी बेड़ी गुरु का उपदेश है। करतार नूं संबोधन करके गुरु जी आखदे हन, हे परमात्मा, मेरे ते मेहर करो, जिमें आप नूं पौंदा है तिवें मैनू रखो। आप दे बिना होर किसी दूसरे उत्ते मेरा भरोसा नहीं। मैं अगे पिछे वेख के हैरान हो रहा हाँ। अगे मसाणा दी अग साड़ के सवाह कर जाती है, पिछों होर जमदे आउंदे हन। यह जगत चाल है। परमात्मा आप ही जगत नूं पैदा करता है ते आप ही खत्म करता है, पर हर इहदे विच उसे तरह वसदा है जिमें पानी दे घड़ियां विच अड अड चंद्रमा का प्रतिबिंब पैंदा है। आप ही परमात्मा मिलता है, आप ही अपने चरणों विच ले जांदा है। हे नाथो, करतार अगे प्रार्थना करया करो। हे करतार, मैं तेनों एक पल ना भुल्लां, क्योंकि ज्यों ज्यों परमात्मा हिरदे विच वसदा है त्यों त्यों अमृत रूपी सुखां दी वर्खा हुंदी है। यह मन तन परमात्मा दा है। परमात्मा ही हंकार नूं खत्म करे। अखां खोल के वेखो, इस जगत ने त्रिलोक पैदा किते हन। मनमुख हनेरे विच रहिंदे हन ते गुरमुख ज्ञान जानण राहीं सब कुछ जाण जांदा है। उसनों ये भी पता लग जांदा है कि निरंकारी जोत हर हिरदे विच है। जिन्हां गुरमुखां ने जाण लिया है उन्हां नूं वधाई देनी चाहीदी है। जिन्हां हिरदिआं अंदर सच है वह सच आसरे परमात्मा नाल मिल गए हन, संतोख नाल ही तरीदा है। नाथां दा मुखी ये उपदेश सुन के पत्थर की बेड़ी तरदी वेख के गुरु जी के चरणों उत्ते जा डिगा। उसका हंकार टुट गया। गुरु जी ने उसके सिर नूं उपर चुकया, अखां विच अखां मिलाईयां, प्यार शांति सिमरन का दान बख्श दिता। नाथ आप मुहारा सत करतार धन गुरु नानक शब्दों का सिमरन करता होया मस्त हो के नचण लग पिया। सारे चेले गुरु जी के सिख बन गए। इस नाथा दे डेरे अजे भी श्री गुरु नानक देव जी का उपदेश हुंदा है। कई महंत ऐसे गुरमुख होए हन जिन्हां ने मारवाड़ी लोकां विच सत करतार का प्रचार किया। अजे भी लखां जीव श्री गुरु नानक देव जी नूं चेते करदे हन ते इस्त्रियां पुन्या दा वर्त रखदियां होईयां धन गुरु नानक दा जाप जपदियां हन। होईयां भुल्लां चुकां दी खिमा बख्शणी जी, दास नूं आग्या दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।